लोकसभा 2024 निवडणुकीचं बिगुल वाजलं असून उमेदवार कार्यकर्ता कामाला लागले आहे. अशातच काल उत्तर नागपुरात महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार विकास ठाकरे यांच्या प्रचारार्थ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मेळावा आयोजित केला होता. यावेळी हजारोच्या संख्येने लोक उपस्थित होते. आम्हाला सर्वसामान्य नेता पाहिजे, आमच्या मधला नेता पाहिजे जो आम्हाला वेळोवेळी मदत करेल, अशी प्रतिक्रिया मतदारांनी दिली. विरोधी पक्ष हा रस्तनाबूत झाला पाहिजे. हा मनसुबा बाळगून या देशातील विरोधी पक्षाच्या लोकांना ईडी, सीबीआय आणि इन्कम टॅक्सच्या नोटीस पाठवल्या. त्यांना नोटीस पाठवल्यानंतर जे लोक त्यांच्या पक्षात गेले, वॉशिंग मशीनमध्ये धुवून निघाले, त्यांना आपल्या पक्षात ठेवलं, बाकीच्यांना जेलात टाकलं. हा प्रकार काय आहे? या लोकशाहीमध्ये या देशातली जनता जर कोणाला सरकार चालवायला देते तर त्यांनी विरोधक संपवायसाठी प्रयत्न करायचे का, असा मोठा हा प्रश्न आहे मित्रांनो. आणि नरेंद्र मोदीजींनी ते केलं. जे भ्रष्टाचारी होते त्यांना आपल्या पक्षात घेऊन मंत्री बनवलं. पहिले आरोप लावले, काही लोकांना जेलमध्ये टाकलं. आपले अनिलबाबू देशमुख या महाराष्ट्र राज्याचे गृहमंत्री होते, त्यांच्या असेच आरोप लावले आणि त्यांना जेलमध्ये टाकलं. 1.5 वर्ष त्यांना जेलमध्ये राहावं लागलं. परंतु नंतर त्यांच्यावर लावलेले आरोप खरे नव्हते म्हणून त्यांची जमानत झाली. तर अशा पद्धतीनं या देशाच्या राजकारणातून विरोधक संपवायचे आणि फक्त मीच राहील आणि मी ज्या पद्धतीनं काम करेल ते देशवासियांनी सहन करायचं असा मनसुबा त्यांचा होता. संविधानाचं पालन करून कुठे नरेंद्र मोदींनी काम केलं? परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान बनवलं त्या संविधानावर हा देश चालला पाहिजे. परंतु त्या संविधानावर देश न चालता चालवता अब की बार 400 पार करून संविधान बदलण्याची भाषा त्यांची खासदार बोलतात. हे सगळे विषय हे लोकतंत्र संपवण्याचे आहे. आणि म्हणून मला वाटते की ही लढाई आपल्याला जनतेला लढायची आहे. तिथून आवाज आला उसका बाप भी नहीं बदल सकता. और सही में है किसी का बाप या संविधान को इस देश से बदल नहीं सकता जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया हुआ. पदाधिकारी, कार्यकर्ता भाइयों, बहनों और दोस्तों, भाव ने यहां पर बहुत सुंदर अपना व्याख्यान दिया है. उन्होंने बोलते बोलते कह दिया कि कैसे कैसे लोग हमें मिलते हैं और कैसे कैसे बातें यहां होती हैं. सपनों का सौदागर नाम आपने सुना होगा. ऐसा ही एक सपनों का सौदागर 2014 में आया और अपने सपने बेचने का काम उसने शुरू किया. सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सपनों को खुदी में लाना ये सबसे महत्वपूर्ण होता है. आप भी यहां के, मैं भी यहां का हूं. कोई बता दे कि सन 2000 पहले का उत्तर नागपुर क्या था और अभी का उत्तर नागपुर क्या है? आज से नहीं, 5 साल से चालू थी. नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकास ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारा प्रत्येक बूथ पे 5-5, 10-10 लोगों की टीम तैयार थी और आज उसका प्रतिबिंब आप देख रहे हैं. जो कभी नहीं था ऐसा जोश आज कांग्रेस पार्टी में है. सबसे ज्यादा ऊर्जावान कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं क्योंकि शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे जी
जो जनसंपर्क में रहते हैं कार्यकर्ताओं के, रात में 12-1-2 बजे कभी भी फोन आए, कार्यकर्ताओं के काम के लिए तत्पर होते हैं, ऐसी जनता से डायरेक्ट जिनकी नाड़ जुड़ी है, ऐसा उम्मीदवार देने के वजह से नागपुर का पूरा हाल बदल चुका है। नितिन गडकरी जी जो बोल रहे थे चाय नहीं बांटूंगा, पैसे नहीं बांटूंगा, दारू नहीं बांटूंगा, ये सब कर रहे हैं, गल्लो गल्ली नगर सेवक जैसा चुनाव लड़ रहे हैं, फिर भी नागपुर शहर का अगला खासदार कांग्रेस का, हमारा महाविकास आघाड़ी का विकास ठाकरे होने जा रहे हैं। उत्तर नागपुर में बहुत अच्छी तैयारी चालू है, हम लोगों के डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को कांग्रेस और बीजेपी का फर्क समझा करके बता रहे हैं कि 10 साल में बीजेपी ने क्या किया और उसके पहले कांग्रेस ने क्या किया। सिर्फ बीजेपी ने देश को लूटने का काम किया है, ना कि कोई एक विकास का काम किया है। मोदी ने झूठ बोलकर सत्ता हासिल की, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का युवाओं को वादा किया, पूरा नहीं किया, 15 लाख रुपए देने का वादा किया, कुछ भी नहीं किया। एवं नितिन गडकरी ने 10 सालों के अंदर में नागपुर का कोई विकास नहीं किया। कि ये तो आज हमारा उत्तर नागपुर में हमने विकास भाव के प्रचार के लिए बिगुल फूक दिया है, और हम जैसा कि मुत्तेमार जी ने बोला कि मुत्तेमार जी को पहली बार 99 में उत्तर नागपुर से 55,000 की लीड दी गई थी, और हम इस बार सबको शाश्वत करना चाहते हैं विकास भाव को कि हम 55,000 से ज़्यादा की लीड उत्तर नागपुर से देके विकास भाव को यहाँ पर खासदार बनाएंगे। क्या मुद्दे लेके आने वाले कांग्रेस? कांग्रेस सिर्फ जनता के मुद्दे लेके आएंगी, महिला के लिए महंगाई का मुद्दा, युवाओं के लिए बेरोजगारी का मुद्दा, और हम जो देख रहे हैं आज नागपुर का युवा बेरोजगार है, घूम रहा है रास्ते में, लेकिन उसके लिए रोजगार नहीं है। नितिन गडकरी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैंने मियान लाया, मियान नितिन गडकरी ने लाया था, मियान ये कांग्रेस का प्रोजेक्ट था, और जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आते हुए